गाइस वो देखो क्या दिख रहा है okay, का तेरी का। आ, पाऊंगा पाऊंगा ब्रा। गाइस वीडियो में आप लोग के लिए सरप्राइज है, वीडियो जरूर देखना आप यार, वीडियो में बहुत मस्त सरप्राइज है आपके लिए। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके, होप करता हूँ कि सबके सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं करण पाजी के घर पे और उनके यहाँ पर उनकी बहन की शादी है, तो उस रिलेटेड हमें वहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो आज जाएंगे वहाँ पर, थोड़ा सा काम भी है उनको मुझसे, तो उन्होंने बुलाया है कि आ जाना भाई। मैं कोई बात नहीं यार, बहन की शादी हो जरूर आएंगे काम कराने, बाकी जो भी होगा मैं करूँगा वहाँ जाके। तो उससे पहले यार उनके यहाँ जाने से पहले यार बाल कटवा लेते यार, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा बोलते थे कि यार बाल कटवा ले यार, गुंडे जैसे शक्ल लग रही तेरी, तो जाके बाल कटवा ले। तो मैं कहा चलो यार पहले बाल बुल कटवा लेते, थोड़े छोटे करवा लेते हैं और थोड़ा सा जेन्युइन बनते हैं और फटाफट चलते हैं, उनके यहाँ पर रेडी भी होना है। तो अभी सोनी यहाँ पर मस्त किचन में खाना बना रही है और दादी यहाँ मस्त बैठी हुई है, अशोक वहाँ पर गेम खेल रहा है और अंश वहाँ पर कार्टून देख रहा है, इसका जो वही काम होता है कार्टून का, ये देखो मस्त कार्टून देख रहा है शहनशाह जी। बाकी यार फटाफट जाते हैं और कटिंग करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, और रेडी भी होने में टाइम लगेगा, वहाँ जाने में टाइम लगेगा, तो फटाफट से रेडी। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. तो finally दोस्तों मैंने अपनी कटिंग करवा ली है, और यार मजाक नहीं, बहुत मन मार के मैंने अपना कटिंग करवाया, मेरा मन नहीं था कटिंग करवाने का, चलो क्या कर सकते हैं यार, सभी घर वाले कह रहे थे तो कटवाना पड़ेगा मेरे को। बाकी आप जरूर बताना यार कमेंट में कि आपको बाल कैसे लग रहे हैं, कि कटिंग मैंने कैसे करवाई है, मैंने साइड फेड करवा लिया है, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से, रेडी होते हैं, कपड़े भी पहनने, तैयार भी होना है और जाना भी है, तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं पहले। तो फाइनल गाइस मैं नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ और अपना बाल कुछ इस तरह का है, और अपना आज का आउटफिट है ये थोड़ी सी बल्कि टी शर्ट है और ब्लैक पैंट है, व्हाइट शूज है। बाकी यार कमेंट करके बताना कि बाल कैसा लग रहा है और मैं कैसा लग रहा हूँ रेडी होके। बाकी यार अभी जाते हैं, करण पाजी का फोन आया था, अभी वहाँ जाके बाकी देखते हैं कि क्या सेलिब्रेशन होगा, तो बाकी आपको सब कुछ दिखाता हूँ वहाँ जाके। तो फाइनल गाइस मैं अपना आउटफिट चेंज कर लिया फिर से यार, सोनी कह रही थी कि यार किसी शादी में जा रहे हो तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाने चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। बाकी आज मैंने ये मेहरून शर्ट और ये क्रीम पैंट और मेहरून शूज़ पहने, और बाकी अपने बाल भी मस्त सेट हो चुके हैं, तो बताना कमेंट बॉक्स में ये कैसा लग रहा है आपका भाई। बाकी यार अभी चलते हैं, हनी का फ़ोन आया था, हनी मेरा वेट कर रहा है, तो आपको हनी से भी मिलाऊंगा, हनी मेरा बचपन का फ्रेंड है, बाकी उनसे मिलाऊंगा मैं आपको पुराने दोस्तों से, क्योंकि मैंने अभी तक आपको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो आपको आज आप दोस्तों से भी मिलाऊंगा। और चलते हैं, बाकी पाजी की आज बहन की शादी है तो थोड़ा वहाँ भी इंजॉय करेंगे, तो फटाफट से चलते निकलते हैं यार। तो गाइज हम अपनी राम प्यारी पे ही जाएंगे क्योंकि शादी पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी बाइक पे जाएंगे, और बाइक थोड़ी सी गंदी हो रही है यार, वॉश भी नहीं करवा बाइक को, तो चलो कोई बात नहीं, इस पे जाएंगे। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं, और ये हनी है मेरा बचपन का फ्रेंड, इकट्ठे काम करते थे, और ये अपने सागर भाई, और सामने टेंट लगा है वहाँ पर शादी हो रही है, बाकी देखते हैं अभी जाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं फुल फुल, मजा आ रहा है फिर। गाय यहाँ रास्ता बंद है तो वहां से घूम के जाना पड़ेगा, चार दे ले यार, पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ जी कुछ बोलना चाहते हो तुसी? है भाई हाँ देख लो भाई, उधेड़ दे बेहतर रोटी, ये देख लो गाइस हम कहाँ बैठ के रोटी खा रहे हैं। ये भाई साहब ये हनी, ये रहा अपना भाई सागर भाई, हो रहा इधर रोटी दे दे भैया, थोड़ी सी रोटी ली है बस, टेंट वहाँ लगी है और रोटी हम बाहर खा रहे हैं भाई, बाहर बैठ के मस्त रोटी खा रहे हैं भाई साहब, ये क्या है। वो देखो गाइस यहाँ पर लड़ाई होगी इनकी शादी में, दुल्हन आ गई गाइस, दुल्हन आ गई। गाइस यार अभी थोड़ा सा बाहर आए हैं, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो बाहर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने आए हैं, अंदर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी पर गर्मी बहुत लग रही थी। ये रहा भाई अपना स्टिंग ले रहा है, स्टिंग पीता, थोड़ी सी गर्मी बहुत है भाई। तो गाइस यहाँ पर हनी लगा हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो होने वाली इसकी बीवी भी, सागर भाई यहाँ पर मस्त अपना पसीना बहाते हुए आके पी रहे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग
चार नहीं स्ट्रिंग चेयर की हो गया सेम ही है सारे चेयर गाइस यार यहाँ पर सागर भाई के आग में कुछ चला गया बेचारे यार बहुत जल्द जलता पे है ना धो रहे भाई गाइस क्या चला गया चल गया सागर भाई गाइस देख लो क्या चला गया देखो गाइस की गया भाई की गया पता है की चला गया दाना पड़ गया दाना वो दाना होता है ना छोटा सा दाना होता है मिट्टी मिट्टी कड़ चला गया कड़ा गाइस ये क्या निकल गया गाइस ये खिल गया है गाइस कुछ निकल गया दिखाना मैं गाइस गाइस रिकॉर्ड हो गया की हो गया भरावा इन बड़ा शौक है देखा इन दिखाना मैं थोड़ा जा इन बड़ा शौक है देखा इन मैं दिखाना अच्छा तेन दिखाना तेरी भुख सब मर जानी है पाऊंगा पाऊंगा भरा गाइस वीडियो में आप लोग के लिए सरप्राइज है वीडियो जरूर देख रहा यार वीडियो में बहुत मस्त सरप्राइज है आपके लिए पांच सात तो आ रहा रिकॉर्ड हो गया मजा आ गया व्यूज आए ने गया व्यूज लाइक कमेंट शेयर कर दियो भरा लाइक कर गोड़े गाइस बताओ आज दोनों भाई कैसे लगे मेहरून शर्ट कमेंट करके जरूर बताना सब हमको देख के सोच रहे पता नहीं क्या कर रही है गाइस ये फ्रेम कैसा बताना ये डेढ़ नंबर है और आपको इससे पता लग रहा होगा मैं अंधा हो चुका हूँ डेढ़ नंबर का चश्मा लग गया ये अपना सागर भाई का कैसा लग रहा है फ्रेम में जरूर बताना कमेंट में मैं ठीक हूँ मैं नहीं अंधा यार कमाल आ गया मैंने डेढ़ नंबर ही बड़ा साफ नजर आ रहा है यार क्या दिख रहा है ये देख लो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे तो गाइस शादी का कार्यक्रम खत्म हो रहा है वहां पर टेंट खोली जा रहा है और अपने भाई यहाँ पर चाय और पकोड़े चल रहे हैं और रात के कितना टाइम हो गया सात बज गए रात के और चाय पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं भाई अभी ये देख लो गाइस शादी करने की उम्र में सब्जियां भर रहे हैं है भरा सागर भरा शादी करने को मनी पड़ी है हमारी कब हो गई हमारी नहीं होगी भाई शादी करने की उम्र में सब्जियां भरते फिर रहे हैं शादी की उम्र निकली जा रही है उम्र निकल गई है भाई कोई लड़की है अगर इस भाई से शादी करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें रात लाख 111111100 इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो इस भाई से शादी करना चाहते हैं अच्छा और जिस भाई से शादी करना चाहते हैं वो 222222222 पे कांटेक्ट करें बस पर गया तो यार अभी ये लेके जा रहे हैं वहाँ पर लड़के वालों के लिए जो थोड़े बहुत फैमिली रह गए उनको खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं भर के नहीं नहीं पनीर ना पाना उस बाकी दाल वाला ये देखो गाइस दो नमूने नजारे यार नजारे बकचोदी कर रहे हैं काम कर करके थक गए थे इसलिए झूठे ले रहे हैं थोड़ा एंजॉय हो एंजॉय हो जाए थोड़ा सा जिंदगी झंड बनी पड़ी है ये है संजीव गिरी ये है मेनू तो मेरे फैमिली जानते हैं सागर अगे सिंह बचपन की यादें ताजा हो रही हैं बचपन की यादें ताजा हो रही हैं मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है ना ये झूला टूटेगा आज टूटेगा मुझे भी डुड्डू चाहिए आदमा ये देख लो गाइस क्या कर रहे हैं लोग झूले के नजारे झूले के नजारे बचपन की यादें ताजा करते हुए ये दो प्राणी 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 आ रहा मजा लो लो ध्यान ना भरावा डेगना जाई आए हाय आए हाय मजे मजे नजारा फुल फुल
ओ भाई बच्चों का झूला मत तोड़ देना, वरना बच्चे कहेंगे यार किसने तोड़ दिया। तो ये टूटेगा गाइस, काम कर करके सुबह से थक गए यार कसम से। अब झूला ले रहे हैं, अब झूठे झूठे लेके मजे कर रहे हैं बस। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि बारात जाने लगी है। तो गाइस अभी बारात जा रही है, हमारी आवाज आ रही नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। तो फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों बारात वहां से निकल गई थी, तो बारात के निकलते हम भी वहां से निकल गए और घर पे आके टाइम से, और अभी करीबन 10-15 हो रहे हैं। और अंच यहाँ पर देखो क्या कर रहा है भाई साहब, कार्टून में लगा हुआ क्या खा रहा है, क्या खा रहा है अंच तू, क्या खा रहा है। तो बस यार इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। होप यू गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और दो दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।